बुरहानपुर में विकास पर्व का शुभारंभ यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया। इसके तहत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इसी कड़ी में रविवार को खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा बुरहानपुर विधानसभा अंतर्गत लगभग 1 करोड़ से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश आधुनिक युग की ओर अग्रसर हो रहा है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार गाँव और गरीबों के विकास में सतत लगी हुई है। ये मेन रोड से सर्किट हाउस तक ये रोड का भूमि पूजन हुआ है, बाउंड्री वाल का भूमि पूजन हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन हुआ है। तो लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने इस प्रदेश में विकास की योजना बनाई है और आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसकी विकास पर्व की शुरुआत खरगोन जिले के नांगलवाड़े से हो रही है। उसी के तहत हमने आज इसकी शुरुआत की है और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। कहीं पर रोड का भूमि पूजन है, कहीं पर तालाब का है, तो कहीं ग्रिड का है। तो ऐसा सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास की सौगातें देने का काम किया है और हम सिर्फ क्षेत्र का विकास ही नहीं, विकास के साथ साथ गरीबों के कल्याण की योजनाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं और आज चहुमुखी विकास करने का काम हमारी सरकार ने किया है।